हरे कृष्णा। आज हम भगवद्गीता के कोर्स में दूसरा दिन में हैं और आज मैंने 2.7 को सिलेक्ट किया है और इसमें सेल्फ रियलाइजेशन जो व्यक्ति को प्राप्त होता है उससे पहले का जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन इसमें बताया है। और जो कभी फलडाउन होना नहीं चाहता भक्ति में, हमेशा टिके रहना चाहता है, उसके लिए इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बताया है। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो है ही। और इसको ये भी कहा जा सकता है कि भगवद्गीता में प्रवेश करने से पहले का मेन दरवाज़ा यही है ना। अब इसके बाद फिर आत्मज्ञान शुरू होता है। तो ये श्लोक इस प्रकार है, बहुत सुंदर श्लोक है। कार्पण्य दोषो पहत्सो भाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत यत् श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं स्वाधिमां त्वं प्रपन्नम्। इसका अर्थ ये है कि हे कृष्ण, अब मैं अपना कृपण दुर्बलता के कारण मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए मैं अभी आपका शिष्य का रूप में आपका शरण में आया हूँ। जो भी मेरे लिए श्रेष्ठकर उपदेश होगा वो मेरे लिए बताइए, है ना। इसका मीनिंग ये है। तो इसमें बहुत सारा मीनिंग है, मैंने बहुत सारा नोट्स बनाया है, मैं आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहला शब्द आता है कार्पण्य दोषो, जो मैंने पहला नंबर वन में लिखा है कार्पण्य दोषो। कार्पण्य दोषो का मतलब जो खुद में दो अपने आप में दोष देखना है। अर्जुन अपने आप में दोष देख रहा है कि मेरे में बहुत दोष है, मेरे में बहुत गलती है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, गीता को समझने के लिए अपने आप में दोष दिखना चाहिए, अपने आप में कमी दिखना चाहिए। अगर किसी को अपने आप में कमी नहीं दिखता, अपने आप में दोष नहीं दिखता, तो फिर वो भगवद्गीता में प्रवेश करके भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो उससे वंचित हो जाएगा। और सबसे पहले अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, भगवद्गीता को समझना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को प्रेम प्राप्त करना चाहते हो और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्पिरिचुअल लाइफ में, अपना कमियों का लिस्ट बनाना होगा आपको, है ना। अपना कमियों का लिस्ट बनाओ, फिर पता लगेगा कि मेरे में क्या क्या कमी है, मेरे में क्या क्या दोष दृष्टि है ना। तो उसमें आपको पहले सबसे पहले काम करना पड़ेगा। तो अपने आप में जो दोष देखते हैं तो उसी से हम्बलनेस आता है, फिर हमको गुरु का और शास्त्रों का और उसके बाद भगवान का हमको ज़रूरत पता चलेगी। नहीं तो फिर हम सोचेंगे मेरे में कुछ गलती नहीं है, मेरे में कोई दोष नहीं है, मेरे में कुछ कमी नहीं है, फिर मुझे गुरु क्यों चाहिए, मुझे क्यों भगवान चाहिए। तो फिर अपने आप को परफेक्ट समझने लगेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले कार्पण्य दोषों का मतलब अपना लिस्ट बनाओ। और दूसरा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो गौड़िया वैष्णव का मूड है वो नेगेटिव मूड है। अर्जुन अपने आपको नेगेटिव प्रस्तुत कर रहा है कि मेरे में दोष है, मैं मूड हूँ, मैं नहीं जान रहा हूँ। तो आप जितने भी गौड़ीय वस्त्र में आचार्य हैं उनको आप देखिए, वो सब अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को दीनहीन समझते हैं, अपने में भक्ति नहीं है, अपने में प्रेम नहीं है, ऐसा समझते हैं। तो ये श्लोक में हम नेगेटिव मूड हम इसमें प्राप्त करते हैं। तो ये नेगेटिव मूड क्या है, हमको भक्ति में एडवांस करने के लिए सबसे चाबी समझ लीजिए आप, ये मास्टर की है ना, ये नेगेटिव मूड है। तो इसलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत के आदिलीला के 7वें अध्याय के 71 श्लोक में, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। प्रकाशानंद सरस्वती को वो बता रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा था, आप वेदांत में क्यों व्याख्या नहीं करते हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप क्यों भगवान का नाम लेके डांस करते करते जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, मैं तो एक नंबर का मूर्ख हूँ, इसलिए गुरु ने मुझे, तू वेदांत समझने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए तुम बस भगवान का नाम लो बोला। तो चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को मूर्ख मानते हैं। तो ये गौड़ीय वैष्णव नेगेटिव फिलोसोफ। और दूसरा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के 5वें अध्याय के 205-206 में बोल रहे हैं, जगाई मदाई मुई से पापिष्ट और मैं नाली का कीड़ा हूँ, ऐसा बोलते हैं। और बोलते हैं कि 206 में अगर कोई मेरा नाम लेगा, मेरा दर्शन करेगा, मेरा बारे में सुनेगा, तो वो पाप में फंसेगा, मेरा बारे में सुनना मत, मेरा नाम मत लेना, ऐसा बोलते हैं। जबकि उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। तो अपने आप को ऐसा सोचते हैं, वो रियल में सोचते हैं अपने आप को, इसलिए वो नेगेटिव मूड उनको भक्ति में आगे बढ़ा के ले जाता है ना। तो ये यहाँ से हम ये सीख सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग लिखा है, उसमें से एक मैंने एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, वो आप सॉन्ग पढ़ के देखिए, उसमें अपने आप को विषय दुर्जन, भक्ति भी नहीं जानता, धर्म भी नहीं जानता, अपने आप को ऐसा प्रकट कर रहे हैं। जबकि उन्होंने मोर देन 200 बुक्स लिखा है और भक्ति से अंदर सरस्वती ठाकुर को उन्होंने इन्वाइट किया है, इतना एलिवेटेड सोल है वो, है ना। तो फिर भी वो ऐसा सोचते हैं। और लोचनदास ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा है, केजाबे केजाबे रे भाई, उसका लास्ट लाइन देखिए, वो बोलते हैं,
पड़िया रहिल लोचन अपना र दोषे, जबकि वो भगवान के धाम में ऑलरेडी, फिर भी वो अपने आप को सोच रहे मेरा दोष का कारण, मेरा गलती का कारण मैं ये पृथ्वी में ही रह जाऊँगा, है ना। तो ऐसा मूड है वो नेगेटिव मूड, ये भक्ति में एडवांस करने के लिए सबसे टॉप मूड है। इसलिए अर्जुन कार्पण्य दोषो बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं। और ये इसका कंक्लूजन क्या है कि ऐसा नहीं होना है कि कभी ऐसा भी हो सकता है आप दोष देखते जाओ देखते जाओ, अपना दोष दोष का लिस्ट बनाते जाओ, अपना फॉल्ट का लिस्ट बनाते जाओ, एक दिन ऐसा हो सकता है कि अरे मैं तो भक्ति कर नहीं पाऊँगा, मेरे में इतना कमी है और मुझे इतना कमियाँ दिखाई देता है, तो मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, भक्ति नहीं करूँगा, माला नहीं करूँगा, मैं तो पापी हूँ, कभी कभी ऐसा सोच आ सकता है। तो इसलिए मैंने कंक्लूजन में बताया कि कभी भी निरुत्साहित मत होना, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को अपना कमियाँ दिखाई देता है, अपने में दोष दिखाई देता है, ये भक्ति का एडवांसमेंट का पहला लक्षण है ना, अपने में कमियाँ दिखाई देने लगता है। तो इसलिए घबराना मत, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो इसलिए आपको कमियाँ दिखाई दे रहा है। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको अपना कमियाँ पता नहीं होता, इसलिए वो संसार में फंसे रहते हैं, है ना। इसलिए जानना होता है कि मेरे में क्या कमियाँ होता है, तभी आप उसमें काम कर पाते हो, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, है ना। और अगर हम अपने में दोष नहीं देखेंगे तो सबसे बड़ा फॉल्ट ये होगा कि हमारा गुरु को रिजेक्ट कर देंगे। फिर हम सोचेंगे मेरे में फॉल्ट ही नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा फीलिंग आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हम गुरु का हमको आवश्यकता नहीं है ऐसा थॉट आएगा, फिर हम गुरु को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए अपने में कमी हमेशा देखना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक अपने में देखना चाहिए, ये हमारा आचार्य ने सिखाया है, है ना। और दोष देखना केवल अपने में है, दूसरे में नहीं है, है ना। और भगवद्गीता में किस में दोष देखने के लिए बोला है, भगवद्गीता के 13.9 श्लोक में आप देखेंगे, उसमें कृष्ण भगवान बता रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये चार चीज़ें जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, इसमें दोष देखो। तो इसमें दोष देखने से क्या होगा, आप तो इटर्नल आत्मा हो, फिर आप मेरे में ये क्यों थोपा जा रहा है, फिर आप इससे निकलने का प्रयास करते हो। इसलिए इसमें दोष देखना चाहिए, अपने में दोष देखना चाहिए, लेकिन दूसरे को अमान ही ना मान देना, दूसरे को सम्मान देना चाहिए, और दूसरे में हमेशा क्वालिटी देखना चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए, है ना। ये पहला पॉइंट है। अब हम दूसरा पॉइंट में आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव धर्म सम्मूढ चेत। अर्जुन बता रहा है कि मेरा जो धर्म के प्रति जो चेतना है वो मेरा मूढ़ चेतना है ना। मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ और मेरा चेतना मूढ़ चेतना है, मेरा चेतना गंदा हो गया, मैं धर्म को नहीं समझ पा रहा हूँ बोल के बोल रहे। तो इसमें से हम क्या सीखते हैं, धर्म का मतलब मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, लव ऑफ गॉड, और इसका परिभाषा भी है 6.3.19 में भागवतम में, धर्मंतु साक्षात भगवत। धर्म मतलब साक्षात कृष्ण ही समझ लो आप, साक्षात वही है, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, है ना। तो इसीलिए धर्म मतलब कृष्ण ही है। तो धर्म सम्मूढ चेत का मतलब क्या हुआ, मैं कृष्ण का प्रति मूढ़ व्यवहार कर रहा हूँ, मैं कृष्ण का प्रति मूढ़ व्यवहार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए भगवद्गीता में ऐसा बहुत सारा श्लोक है जिसमें मूढ़ शब्द प्रयोग हुआ है, तो है ना। मूढ़ शब्द का मतलब होता है मूर्ख, है ना। तो मूर्ख व्यक्ति का क्या लक्षण है, उसका क्या फल मिलेगा, है ना, और उसका परिभाषा क्या है, भगवान कृष्ण ने इन श्लोक में बताया। सबसे पहले बताया भगवद्गीता का 9वां अध्याय के 11वां श्लोक में, अवधानंति माम मूढ़ा, उसमें भी आता है, और 14.15 में भी आता है मूढ़, उसका क्या रिजल्ट है ये बताया। 16.20 में भी भगवान कृष्ण ने मूढ़ का क्या रिजल्ट होगा वो बताया, और 17.19 में भी बताया। तो इस तरीके से भगवद्गीता में बहुत सारे जगह में मूढ़ शब्द प्रयोग हुआ है, उसको क्या गति होता है ये बताया। तो अर्जुन ने जो मूढ़ शब्द बता रहा है ना, ये हमको क्या सीखना है, जबकि अर्जुन कृष्ण का फ्रेंड है, वो नर नारायण है, उसको ऑलरेडी सब कुछ ज्ञात भी हो सकता है ना, तो भी वो भगवान कृष्ण के पास जाके वो बोल रहा है मैं कुछ नहीं जानता। ये सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए जब हम गुरु के पास जाते हैं तो, है ना। इसलिए परीक्षित महाराज को आप परीक्षित महाराज को देखिए, परीक्षित महाराज को गर्भ में ही कृष्ण भगवान का अंगूठा का साइज का रूप में उनको दर्शन हो गया था, जबकि उनका गर्भ में प्रोटेक्ट करने के लिए कृष्ण भगवान उनका माँ का गर्भ में चले गए थे, तो उसी समय उनका दर्शन हो गया था। इसलिए वो बार बार परीक्षण कर रहे थे कि वो जो मेरे को गर्भ में दर्शन हुआ है वो कहाँ है बोल के, इसलिए उनका नाम परीक्षित है, वो परीक्षा कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, जबकि उनको भगवान का दर्शन हो चुका है, वो फैमिली ट्रेडिशन में उनका सारा कृष्ण का भक्त है, तो उनको स्वाभाविक रूप से पता है कृष्ण कौन है, किसका भक्ति करना चाहिए, संबंध अविधेय प्रयोजन सब पता है। फिर भी जब उनको 7 दिन में मर जाएंगे बोल के तक्षक नाग का डसने से उनको श्राप मिला था, तो वो परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी के पास जाके क्या पूछ रहे हैं आप देखिए, उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे थे, वो 6 क्वेश्चन 119,
11, 11, 11, 11, 17, 11, 18 और 11, 23। ये 6 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इसी में पूरा भागवत में, इसी क्वेश्चन को डीलिंग करने के लिए। तो ये सारा क्वेश्चन आप पढ़ के देखेंगे, वो यही बोल रहे हैं कि सारा शास्त्र का कंक्लूजन क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कौन है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब पूछ रहे। देखिए उनको जबकि सब कुछ पता है। ये इसका मतलब क्या है, अपने आप को मूर्ख समझ के अपना बुद्धि को सरेंडर करके जाना होगा गुरु के पास, तभी वो सही चीज़ मिलेगा। जबकि आपको पता होने के बाद भी, जबकि इनको पता है फिर भी वो ऐसे जा रहे हैं, तभी उनका भगवत प्राप्ति में मार्ग में उनको ईजी लगा फिर, है ना। और सनातन गोस्वामी का आप जीवनी पढ़ेंगे, है ना, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला विश्व अध्याय के 102 श्लोक में आप देखेंगे। तो सनातन गोस्वामी जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था कि आमी के आमार जापे तापे त्रय, मैं कौन हूँ और मैं ये त्रय ताप में क्यों फंसा हूँ, मेरे को क्यों दुख हो रहा है, मैं इससे कैसे पार हो जाऊँ। वो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि वो मुक्त जीवात्मा है, वो ऑलरेडी भगवत प्रेम से पूरित है ना, लिबरेटेड सोल है, वो फिर भी ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं जब चैतन्य महाप्रभु को उनको गुरु के रूप में मिला तो, है ना। तो ये मूड होना चाहिए। तो धर्म सम्मूढ़ चेता का मतलब क्या हो गया कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरा चेतना में पूरा मूर्खतापूर्ण भरी पड़ा है। तो इसलिए ये बुद्धि का सरेंडर है। जब तक हम बुद्धि का सरेंडर नहीं करेंगे फिर भगवद्गीता को नहीं समझ पाएंगे, भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, फिर हमको भगवत प्राप्ति में बाधा होगा, हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगा। और मूढ़ चेत का मतलब क्या है, आप सोच के देखिए, आप धर्म में मूढ़ चेतना रखते हो इसका मतलब क्या है। मैंने पहले बताया धर्म मतलब कृष्ण है, आप कृष्ण में मूढ़ चेतना रखते हो इसका मतलब क्या है ना। अब जैसे किसी विद्यालय में आप मूढ़ हो तो समझ में आता है, आप एग्जाम में फेल होते हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको ज़्यादा आता नहीं। लेकिन जब धर्म में भगवान का कृष्ण का भक्ति में मूढ़ बोला जाता है तो वो किसको बोला जाता है, उसको शास्त्र नहीं आता है क्या, या उसको श्लोक याद नहीं होता है, है ना, या उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, किस कैटेगरी का व्यक्ति को मूढ़ बोलते हैं, है ना। तो इसको मूढ़ किसको बोलते हैं, शिला प्रभुपाद ने बताया 1973 लंदन भगवद्गीता का 2.4 और 5 में लेक्चर दे रहे हैं, जिसमें ये चल रहा है कि अपने गुरु को त्यागने का बात चल रहा है अर्जुन के द्वारा, है ना। तो उसमें प्रभुपाद ने बताया, अगस्त 5 में है ये लेक्चर, उसमें बताया एवरी वन हु इज इन द मेटेरियल वर्ल्ड इज एनिमी ऑफ कृष्ण बिकॉज दे वॉन्ट टू बी अ कॉम्पिटिटर ऑफ कृष्ण, है ना। ये फिर इसमें बताया एनिमी है वो जो ये मेटेरियल वर्ल्ड में है जो भी, तो एनिमी उसको क्यों बताया गया, क्योंकि वो कृष्ण से द्वेष करता है, जो कृष्ण से द्वेष करता है ना वही भगवान का दुश्मन है ना, तो भगवान उसको मारते हैं। तो इसलिए या मूढ़ का मतलब क्या हो गया, वो जो भगवान कृष्ण को द्वेष करता है, अर्जुन बोल रहा है मैं आपसे द्वेष करता हूँ, तो हमको भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए हम कृष्ण से द्वेष करते हैं, क्यों, क्योंकि हम मेटेरियल वर्ल्ड में है अभी, हमने कृष्ण से द्वेष किया कि भगवान ने 5.29 में बोला ना भोक्ता आराम यज्ञ तपस्या बोल के कि मैं भोक्ता हूँ, सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, लेकिन हमने सोचा मैं भी स्वामी बनूंगा, मैं भी भोक्ता बनूंगा, इसलिए हम यहाँ आए। और अब आप अपना अपना पोजीशन को चेक करिए, सब अपना अपना जगह में भोक्ता है अभी, किसी न किसी पोजीशन में हम पति है, पत्नी है, ब्रदर हैं, घर को धान्य वाले ब्रेड विनर हैं, कोई भी है, कोई भी पोजीशन में, अपना अपना पोजीशन में हम स्वामी है, क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते हैं इसलिए हम मेटेरियल वर्ल्ड में हैं, ये इसलिए हमारा पोजीशन है क्योंकि हम कृष्ण से द्वेष करते हैं, है ना। अब ये द्वेष को कैसे हटाएंगे फिर, है ना। तो इसको द्वेष को हटाने के लिए सम्मूढ़ चेता बोला है ना, कि हमारा चेतना द्वेष से भरिपूर्ण है, तो सम्मूढ़ चेता, अब चेता को चेत मतलब हमारा चेतना, हमारा हृदय, फिर उसमें जो द्वेष भरा है उसको कैसे हटाएंगे, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसका आइडिया दिया चेतो दर्पण मार्जनम, कि भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का नाम से वो चेतना हमारा शुद्ध होगा, फिर भगवान के प्रति हमारा जो द्वेष भावना है वो चला जाएगा। फिर भगवद्गीता में भगवान ने जो नाम लेते हैं जो हमारा चेतना को शुद्ध करेगा वो कैसे लेना है, भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे में प्रीति का कमी है, द्वेष तो ऑलरेडी भरा पड़ा है, तो उसका एंटीडोट देना पड़ेगा ना, एंटी चीज चाहिए ना किसी भी चीज़ को हटाने के लिए, है ना। गर्म को हटाने के लिए ठंडा चाहिए, है ना, ठंडा को हटाने के लिए गर्म चाहिए, उसी प्रकार हमारा हृदय में, हमारा चेतना में द्वेष भरा पड़ा है तो उसको हटाने के लिए प्रीति चाहिए फिर, है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने 10.10 में बताया प्रीति चाहिए। और ब्रह्म संहिता के 5.38 में ब्रह्मा जी प्रे कर रहे हैं, प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचन है ना संत सदैव हृदयेशु, उसमें हृदयेशु शब्द आता है, उसका मतलब क्या है, जिस भी भक्त ने प्रेम रूपी अंजन गाजल लगाया हुआ है तो उसको हर जगह भगवान दिखाई देता है, तो वो भगवान का प्रेम से
भरिपूर्ण होता है, तो उसको हर जगह कृष्ण दिखाई देता है, और वो कृष्ण का नाम सुनते ही, कृष्ण का एक्टिविटी याद करते ही, कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज़ देखते ही उसको हृदय में कृष्ण का दर्शन होने लगता है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने आँखों में भगवान का प्रेम रूपी गाजर लगाया हुआ है। तो पहले ये प्रैक्टिस करना होगा, हर चीज़ को भगवान से प्रेम से हमको कनेक्ट करके देखना होगा, तभी हम फिर अपना चेतना में जो द्वेष भावना है ना, उसको फिर हम हटा पाएंगे। और हम तीसरा पॉइंट में आते हैं, क्योंकि भगवद्गीता में सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक यही है, इसलिए क्योंकि इसमें गुरु और शिष्य का मेन बातें इसी में बताया, जितना भी कॉन्सेप्ट है, और इसमें शिष्य शब्द आता है, बाकी कोई भी श्लोक में शिष्य शब्द नहीं आता। और इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु को त्याग कर, है ना, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को त्याग कर कृष्ण का शरण में आया है। तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो हमको डिस्कस करना जरूरी है ना। केवल गुरु के पास केवल ज्ञान लेने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो अर्जुन एक बेड में बैठ के आराम से ले सकता था, रास्ते में चलते चलते खाते पीते भी ज्ञान का बातें हो सकती थी, लेकिन केवल ज्ञान ही गुरु के पास नहीं लेना चाहिए। केवल ज्ञान ही नहीं है, और भी चीज़ होता है, केवल ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होता। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि शिष्यस्ते अहम साधिमाम तम प्रपन्नम, कि मैं आपका शरणागत होता हूँ और शिष्य बनता हूँ। तो शिष्य बनने का मतलब क्या होता है कि सेवा से जुड़ना होता है भगवान से, गुरु से। केवल क्वेश्चन पूछ के अपना ज्ञान लेने के लिए ही नहीं जुड़ना चाहिए गुरु से कभी भी। इसलिए भगवद्गीता में बाद में कृष्ण भगवान बताते हैं 4.34 में, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाया। गुरु के पास जाके केवल प्रश्न पूछना नहीं है, ज्ञान लेना नहीं है, सेवा भी करना है ना। बिना सेवा किए फिर बाकी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। सेवा करके ही फिर ज्ञान डाइजेस्ट होगा। आप खाएंगे और चुपचाप बेड में बैठे रहेंगे तो फिर आप फैट होते होते जाएंगे। आपको चलना भी पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हर चीज़ एक्टिविटी करना पड़ेगा, तभी फिर सब बैलेंस होता है ना। तो उसी प्रकार आप ज्ञान लेते 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 रहेंगे और गुरु को केवल ज्ञान का दृष्टि से ही देखेंगे तो फिर आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। सेवा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। और भागवतम में आप देखेंगे 11.237 में भयम द्वितीय अभिनिवेश सियात वाला श्लोक का लास्ट शब्द है गुरुदेव आत्मा। हमको गुरु को अपने आत्मा बनाना चाहिए, अपना आत्मा बनाना चाहिए, है ना। और इसलिए आप गुरु अष्टक में आपको पता ही होगा, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश होती है ना। गुरु के प्रति हमारा प्रेमा भक्ति होना चाहिए, उनसे उनको आत्मा मानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम गुरु को अपना आत्मा नहीं मानेंगे फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब मैं बाद में बताता हूँ। ये जैसे एक सॉन्ग भी है, लोचनदास ठाकुर ने लिखा है के जावे भाई में, गुरु कांधारी बोलते हैं। कांधारी मतलब जो बोट है, हरिनाम रूपी बोट में जो बैठते हैं भगवान के धाम जाने के लिए, तो वो उसका कैप्टन, मेन कैप्टन है गुरु। गुरु को कैप्टन से कंपेयर किया गया है ना, क्योंकि कैप्टन ही फिर कहाँ से जाना है, कौन सा रास्ते से जाना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या नहीं करना है, सब चीज़ वही बताएगा। इसलिए गुरु का कैप्टन बताया जाता है ना। तो इसलिए इसमें गुरु का इम्पोर्टेंस बताया है ना। और इसमें और एक कॉन्सेप्ट बताया है, केवल गुरु का महिमा नहीं, इसमें रिजेक्टिंग गुरु का कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि अर्जुन ने इसमें गुरु को रिजेक्ट कर दिया है ना। मैं आपको शिष्य हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ बोला, जबकि उनके पास ऑलरेडी गुरु था, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह अन्य गुरु थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है ना। उसको रिजेक्ट करके अब कृष्ण को गुरु मान रहा है, तभी कृष्ण भगवान ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया। तो इसमें रिजेक्टिंग गुरु का कॉन्सेप्ट है। और गुरु का बारे में सबसे अच्छा श्लोक भागवतम में मिलता है वो 5.5.18 है ना, गुरु न सस्यात् स्वजनों न सस्यात् माता न सस्यात्। उसमें बताया जाता है कि वो व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए जो अपने शिष्य, जो अपने अंडर में आए शिष्य को जन्म मृत्यु से नहीं तार सकता, उसको शिष्य नहीं बनाना चाहिए और उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है? गुरु मतलब भारी है, वो बहुत पावरफुल चीज़ है ना। और इसका तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है कि बलि महाराज ने भी अपने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया था, उनका गुरु थे है ना, क्योंकि उनका गुरु ने बोला था आप वामन देव को दान मत दो, वो छलिया है, वो विष्णु का अवतार है, वो तीन पग नहीं, वो पूरा सारा ब्रह्मांड भर देगा, फिर आपके लिए भी कुछ नहीं बचेगा, और आपके लिए कुछ नहीं बचेगा तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैं आपका कुल गुरु हूँ, तो इसलिए आप उनको उनका बात मानो मत। तो उन्होंने स्वार्थीपूर्ण ढंग से बोला था, बलि महाराज ने समझ गए कि ये धन संपत्ति के पीछे पड़ा है, ये भगवान का सेवा में भगवान का खुशी के लिए नहीं सोच रहा है, तो ऐसा गुरु को मैं छोड़ देता हूँ, बोल के उन्होंने छोड़ दिया। गुरु का बात ही नहीं सुना, जबकि अन्य सॉन्ग में, अन्य फिलोसफी में हम सुनते हैं कि गुरु का बात को जो काटेगा, गुरु का बात नहीं मानेगा, उसको नरक प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ रिजेक्टिंग गुरु का भी कॉन्सेप्ट आया है ना। तो इसी प्रकार अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को त्यागा, और हमारे आचार्य ने भी यही सिखाया, भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने विपिन बिहारी गोस्वामी उनको त्यागा था इन्होंने, तो यही सिखाने के लिए था। और
प्रभुपाद ने भी यही चीज़ को बताया है। प्रभुपाद ने एक कन्वर्सेशन में बता रहे थे कि बोन महाराज है ना, जो बोन महाराज वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे है ना, तो बोन महाराज विवेकानंद का और महात्मा गांधी का फिलोसफी को ज़्यादा मानते थे है ना, तो बोन महाराज को उन्होंने बहुत बार समझाया, माने नहीं, तो इसलिए मन में उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था शिष्य को। तो ये शिला प्रभुपाद ने 1976 जुलाई 10th न्यूयॉर्क में मॉर्निंग वॉक में बताया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको उनको रिजेक्ट कर दिया बोल के प्रभुपाद इसमें बता रहे है ना। तो वो क्या बोलते थे उनको, बन महाराज को बन मानुष बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बन मानुष का मतलब होता है गुरिल्ला, वो देखने में भी काले थे, तो वो ये बन मानुष है बोल के ऐसे करते थे। इसका मतलब क्या हुआ, केवल रिजेक्टिंग गुरु का बात नहीं है, रिजेक्टिंग शिष्य भी है, कि शिष्य गुरु भी शिष्य को रिजेक्ट कर सकता है ना, ऐसा भी है। क्योंकि अर्जुन को रिजेक्ट कर दिया वो दोनों ने, वो दुर्योधन के पक्ष में चले गए, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। शिष्य को अपना शिष्य अच्छा है, वो धार्मिक है, भक्त है, फिर भी उनको रिजेक्ट कर दिया है ना। तो इसलिए केवल गुरु को रिजेक्ट करना नहीं है, गुरु भी शिष्य को रिजेक्ट कर देगा, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है ना। तो आप चैतन्य चरितमृत में इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अंत्यलीला के 8वें चैप्टर में आता है रामचंद्रपुरी की कथा है ना। रामचंद्रपुरी एक माधवेंद्रपुरी के डिसाइबल थे, और जब माधवेंद्रपुरी अपना शरीर छोड़ रहे थे अंतिम समय में, तो वो यही अपना अनुभव कर रहे थे जो मैंने पहले बताया, कार्पण्य दोषो, इतना प्रेम से भरे पड़े भक्त। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहले प्रेम माधवेंद्रपुरी से शुरू हुआ है। हमारा गुरु परंपरा में देखेंगे माधवेंद्रपुरी से पहले किसी ने प्रेम प्रकट नहीं किया, इसका मतलब नहीं है नहीं था, उन्होंने प्रकट नहीं किया, भगवान का ही प्लान है। तो माधवेंद्रपुरी के बाद हमारा संप्रदाय में प्रेम आया है ना। तो माधवेंद्रपुरी ने सबसे पहले प्रेम प्रकट किया है, तो वो अई दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक से हृदयम तद लोक कातरम दई त किम ब्राह्म्यति अहम। वो बोल रहे मैं क्या करना है, मैं भ्रमित हो रहा हूँ भगवान अभी, और मैं मथुरा से बहुत दूर हूँ, वृंदावन से बहुत दूर हूँ, मुझे प्राप्त होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, बोल के रो रहे थे। तो उनके सामने रामचंद्रपुरी उनके शिष्य खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि आपको इसलिए दुख हो रहा है ना, क्योंकि आप अपने आपको ब्रह्म नहीं समझ रहे, आप अपने आपको ब्रह्म समझिए और ब्रह्म में ध्यान लगाइए, आपको दुख नहीं होगा, आपका आंसू नहीं आएगा, ऐसा बोला उन्होंने। तो तुरंत उन्होंने माधवेंद्रपुरी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा अंतिम समय में भगवान का स्मरण दिलाना चाहिए, भगवान का लीला बताना चाहिए, भगवान का नाम का महिमा गान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और तुम मुझे मायावादी फिलोसफी सिखा रहे हो, वो भी गुरु को। तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला तुम नरक में चले जाओगे, मैं तुमको रिजेक्ट करता हूँ। तो फिर उन्होंने उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में ईश्वरपुरी को स्वीकार किया। ईश्वरपुरी ने फिर वो खड़े भी नहीं हो सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे, बेड में लेटे थे। तो उनका टॉयलेट साफ़ करना, यूरिन साफ़ करना, खाना खिलाना, कपड़ा धोना उनको, और दिन रात भगवान का लीला सुना के उनको भगवत धाम जाने में उन्होंने हेल्प किया है ना। तो ये गुरु शिष्य का संबंध है, कि जब गुरु ऐसा अवस्था में होता है तो शिष्य को भगवान का याद दिलाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। केवल ज्ञान का रूप में वो नहीं होता है ना, भगवत धाम जाने के लिए दोनों मिलके जाना होता है, परस्पर संबंध होता है। तो फिर इनको रामचंद्रपुरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर ये बाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हुए आए थे, और इन्होंने बोला था कि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी होके ज़्यादा स्वीट खाते हैं, इनका रूम में चींटी दिखाई दिया बोल के एक दूसरे में कमियाँ दिखते थे। इवन दामोदर पंडित जगदानंद सत्यभामा के अवतार है, उनसे सब डरते थे है ना, क्योंकि वो वैष्णव सिद्धांत में एकदम परफेक्ट थे, और वो कोई भी कमी देखेगा सबका सामने बोल देते थे, इवन चैतन्य महाप्रभु को भी बोल देते थे। आपने सुना होगा एक विधवा का एक पुत्र होता है, उससे चैतन्य महाप्रभु बहुत मिलते हैं, हरि बोल हरे कृष्णा बोल बोल के उससे गले मिलते थे। तो एक दिन उन्होंने बताया कि आप उनसे मिलिए मत, क्योंकि उनकी माँ भी सुंदर है, आप भी सुंदर है, फिर आप दोनों का संबंध हो जाएगा, ऐसा बोल के उन्होंने बोला। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको सम्मान दिया, ठीक है तुम मेरे माँ के पास चले जाओ, मेरा माँ का भक्ति का भी केयर करना है ना। तो उनको इन्होंने रामचंद्रपुरी ने उनको भी बुलाया, और जगन्नाथपुरी का उन्होंने प्रसाद लेके आया था, पहले इनको खिलाया रामचंद्रपुरी को है ना। फिर रामचंद्रपुरी ने खा के हाथ साथ धोए, फिर बोले कि अब मैं आपको सर्व करता हूँ, आप बैठिए, फिर उनको खिलाया। जब उन्होंने महान वैष्णव सोच के उन्होंने उनका हाथ से ले लिया, तो जैसे ही उन्होंने प्रसाद ज़्यादा ले लिया, फिर वे चिल्लाने लगी, देखो चैतन्य महाप्रभु का भक्त मैंने सुना था कि वैराग्य से पूर्ण होते हैं, लेकिन आज मुझे पता लगा ये लोग वैरागी नहीं होते, ये लोग खाने पीने में पड़े हैं, देखो इसने मेरा ही हाथ से कितना ज़्यादा खा लिया बोल के वो डांटने लगे। इनका आदत ऐसा था, क्योंकि इनको गुरु ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो जो गुरु को रिजेक्ट करता, गुरु जिसको रिजेक्ट करता है, फिर वो भगवान के प्रति अपराध करने लग जाता है ना।
तो इसलिए फिर ये अपराध करने लग गए। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोचा, अब मैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी गोविंद देव उनको बोला कि आज से मैं 1/4 प्रसाद लूँगा, जितना मैं पहले लेता था उसका 1/4 लूँगा। फिर उस एक साल तक महाप्रभु ने एकदम थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके अपने बॉडी को पूरा सुखा दिया, और जगन्नाथपुरी में जितना भी प्रसाद बिकता था सारे लोग जगन्नाथपुरी से महाप्रभु के लिए प्रसाद खरीद के लेके आते थे, पूरा प्रसाद खरीदना बंद हो गया क्योंकि महाप्रभु ले ही नहीं रहे। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय जगन्नाथपुरी में प्रसाद इतना सस्ता हो गया था फिर भी कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं ले रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी वो सबका भोग स्वीकार करते थे, है ना, पूरा रूम भरा पड़ा होता था प्रसाद से, सब जो भी प्रसाद लेके आता था एक रूम में रखते थे, और हर बंदा कंप्लेन करता था कि महाप्रभु ने प्रसाद नहीं लिया बोल के। एक दिन महाप्रभु ने सारा प्रसाद ले लिया था, तो वो सारा प्रसाद स्वीकार करते थे, तो इसलिए सब खरीदते थे। तो इसलिए इसमें क्या आया कि गुरु भी शिष्य को कभी कभी रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर वो सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा और इस तरीके से नहीं चलेगा कि गुरु शिष्य का संबंध क्या है वो नहीं समझेगा तो अच्छी तरह से। केवल ज्ञान से संबंध नहीं होता है ना, हम एक दूसरे को हेल्प करके एक ही नाव में बैठ के और चलना होता है, शिष्य को भी गुरु को हेल्प करता है। देखिए आप ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी को हेल्प किया जबकि वो ऑलरेडी भगवत प्रेम से पूरित थे, फिर भी उनको कृष्ण लीला सुनाया उन्होंने शिष्य ने। तो ये परस्पर संबंध है, भगवान ने इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है, जब तक गुरु नहीं होगा फिर नहीं होगा, है ना। अब एक पॉइंट मैंने इसमें छोड़ दिया, धर्म सम्मूढ़ चेता, कि ये धर्म को हम समझ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हमारा मूल चेतना है कृष्ण से द्वेष करते हैं ना, तो ये धर्म फिर हम कैसे समझेंगे। ये चैतन्य चरितामृत में बताया है कि महाजनो है ना गतस्य पंथा धर्मस्तु तत्त्वम निहितम गुहाया, कि भक्तों का जो हृदय है ना साधु का हृदय उसमें धर्म छुपा होता है ना। अब वो हृदय में छुपा होता है तो फिर कैसे पता लगेगा हमको। इसलिए आप डेली गाते हैं जो संसार दावा, उसका 6th verse में आता है, तत्रादि दाक्षात अतिबल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, क्योंकि वो इतना दक्ष है, इतना एक्सपर्ट है, धर्म को कहाँ क्या लगाना है, धर्म को क्या नहीं लगाना है वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन है। कभी हिंसा को धर्म माना जाता है, कभी अहिंसा को धर्म माना जाता है ना, और कभी बोला जाता है कि सन्यासी को समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, और देखा आपने शिला प्रभुपाद समुद्र पार करके चले गए, है ना। क्या धर्म है क्या अधर्म है ये केवल साधु का हृदय में होता है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था 64 राउंड जो नहीं करेगा, जो लखपति नहीं है मैं उसका भोग स्वीकार नहीं करूँगा, उसको प्रेम नहीं दूंगा, प्रभुपाद ने 16 राउंड में लेके आए। तो ये सारा चीज़ कन्फ्यूजन है। तो इसलिए क्या है, महाजन है ना गतस्य पंथा तत्रादि दक्षात अतिबल्लभस्य, वो दक्षे होते हैं गुरु, उनको पता होता है क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो इसलिए हम गुरु का शरण में जाना चाहिए बोल के ये श्लोक हमको सिखाता है। तो ये श्लोक को समझे बिना फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए इसमें डिस्कस करने के लिए तो बहुत सारा पॉइंट है, फिर मैं अभी लास्ट शब्द में आता हूँ। इसमें प्रपन्नम शब्द आया है ना, शरणागत, बिना शरणागत हुए हमारा काम नहीं बनेगा। और यहाँ शरणागत कृष्ण भगवान ने गीता में कहाँ कहाँ बताया मैं बता देता हूँ। 4.11 में बताया है, वितराग भय क्रोध मन माया मामो आश्रित, राग भय और क्रोध को छोड़ के मेरे शरण में आना है। उन्होंने रूल्स बताया कैसे शरण में आना है 4.11। और 7.1 में बताया है, मैया शक्त मनापार्थ योगम युंजन मद आश्रय, है ना, मेरे में आओ, मेरे बारे में सुनो, मेरे में आसक्ति हो, और मद आश्रय बोल रहे, मेरे आश्रय, मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में आओ का मतलब क्या है, जो मेरा शरण में है उसका शरण में आओ। अभी तो भगवान है नहीं, कहाँ जाओगे भगवान का शरण में आप, है ना। तो इसलिए जो भगवान का शरण में, मद आश्रय, जो भगवान का आश्रय में है उनका शरण में जाना है। और 18.62 में भी कृष्ण भगवान ने बताया, तमेव शरणम गच्छ, तुम उसके शरण में जाओ बोलते हैं। उसके मतलब अपने आप को ही बोल रहे हैं, अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और 18.66 तो फेमस है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ बोल के। तो ये प्रपन्नम शब्द से हमको इसमें मिलता है। तो बिना शरण हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हमको शरण में जाना है। और शरणागति कैसे रहना है, शरणागति क्या है, और शरण लेने के बाद कैसे भक्ति करना चाहिए, ये सब कृष्ण ने बताया नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं चैतन्य महाप्रभु का लीला में सिखाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का लीला में उन्होंने एज अ सन्यासी और उनके जितना भी डिसाइबल है उन्होंने सिखाया अपने एक्टिविटी से, अपने मैसेज से और अपना सॉन्ग से कि कैसे भगवान कृष्ण का शरण में जाना है, कैसे भक्ति करना है, कैसे गुरु को रेस्पेक्ट करना है, गुरु से क्या सीखना है, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट फिर महाप्रभु का पार्षद ने हमको सिखाया, भगवान ने केवल कॉन्सेप्ट दिया इसमें, है ना। और गुरु भी असली शिष्य को ढूंढ रहा होता है ना। तभी आप देखें रघुगण महाराज हैं,
रघुगण महाराज को जड़ भरत ने जो मैसेज दिया था, अपना आत्मज्ञान उनको प्रदर्शित किया था, जड़ भरत ने कभी भी अपना मुंह खोला नहीं। उनको उनका पापा ने कितना ज्ञान के बारे में बात किया फिर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला था, जबकि उनके पापा के साथ अच्छा संबंध था। लेकिन रघुगण महाराज उनको जब डांट रहे थे, उनको पीटने का कोशिश कर रहे थे, उनको डोमिनेट करने का कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने अपना आत्मज्ञान उनको प्रकट किया। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में ढूंढ रहे होते हैं कि कब असली शिष्य मिलेगा बोल के। केवल गुरु को ढूंढने का प्रोसेस नहीं है, असली शिष्य को ढूंढने का भी प्रोसेस होता है। तभी सुखदेव गोस्वामी देखिए कभी भी प्रकट नहीं हुए थे, जब इतने सारे ऋषि मुनि बैठ के वहाँ यज्ञ कर रहे थे, ज्ञान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कभी भी सुखदेव गोस्वामी आए नहीं। लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज ने इंटर किया तुरंत आ गए वहाँ। क्यों? क्योंकि असली शिष्य था। तो इसलिए वो असली शिष्य ढूंढ रहे होते, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भी असली शिष्य को ढूंढ रहे थे। जब उनको प्रभुपाद मिला उन्होंने तुरंत बताया कि तुम ये करो वो करो वो करो बोल के उन्होंने राधाकुंड में बहुत लंबा डिस्कशन किया था प्रभुपाद के साथ, है ना। तो इसलिए हम ये सीखते हैं। और लेकिन एक पॉइंट है इसमें कि शिष्य जो है, चैतन्य महाप्रभु ने ज़्यादा शिष्य बनाने के लिए मना किया है, न धनम न जन्म। आप उसका ट्रांसलेशन देखिए, न जन्म का मतलब है ना, शिक्षाष्टक का कितना श्लोक है ये, न धनम न जन्म 5 है ना, और सॉरी 4th है, 4th। तो इसमें ज़्यादा शिष्य बनाने के लिए मना किया है चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। लेकिन दूसरा जगह में उन्होंने क्या बोला है, चैतन्य चैतन्यमृत का मध्य लीला 7.128 श्लोक में बताया, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो यही देश, लेकिन मेरा आज्ञा है कि तुम गुरु बन जाओ। और गुरु बनने के बाद तो फिर शिष्य तो हो गए। तो ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने भी बताया, इसका कारण बताया था, जैसे 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में आप देखेंगे तो उसमें ऑर्डर दे रहे हैं, तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण युद्ध स, हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, युद्ध मतलब सेवा। और दूसरा श्लोक 18.63 में बताया उन्होंने, तुम्हारा जो इच्छा है यथा एक्चेसी तत्कुरु, मैं ऑर्डर नहीं देता हूँ, तुम्हारा जो इच्छा है वो करो। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी कभी ऑर्डर देते हैं और कभी बोलते हैं मत करो बोलते हैं। तो ऐसे विरोधाभास भगवान में, जब तक विरोधाभास नहीं होगा फिर हमारा दिमाग चलेगा नहीं, इसलिए भगवान जानबूझ के विरोधाभास प्रकट करते हैं, है ना, कॉन्ट्रडिक्टरी प्रकट करते हैं ताकि हमारा दिमाग चले, नहीं तो सब कुछ सोल्व होता जाएगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे ना, इसलिए दिमाग चलाने के लिए। और मैं इसको यही एंड कर रहा हूँ, बहुत सारा पॉइंट है। और मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन अगर आप ढूंढेंगे, इसको हल करने का कोशिश करेंगे तो ये श्लोक को आप और अच्छी तरह से समझेंगे। मैंने 7 क्वेश्चन कलेक्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्जुन शरण में आया लेकिन भगवान ने फिर से 18.62 और 18.66 में है ना, मेरे शरण में आ जाओ बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि ये श्लोक में ऑलरेडी अर्जुन बोल रहा है कि मैं आपका शरण में आ गया भगवान, है ना, ऑलरेडी शरण में आ चुका है, फिर भी कृष्ण भगवान 18.62 और 18.66 में बोल रहे हैं फिर से मेरे शरण में आ जाओ, ऐसा क्यों? और दूसरा क्वेश्चन है, अर्जुन ऑलरेडी शिष्य बन चुका है, शिष्यस्ते अहम बोल के प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि अब गुरु शिष्य का वार्तालाप शुरू होगा, क्योंकि ऑलरेडी गुरु शिष्य अब बन चुके, पहले ये दोस्त थे, है ना, शिष्य ऑलरेडी बन चुका है। फिर 4.34 में तुम गुरु के पास जाकर सुनो बोल के दूसरा गुरु एक्सेप्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, जबकि उनको शिष्य बना चुका है। तद्विद्धि प्रणिपात है ना बोल के तत्वदर्शी गुरु के पास तुम चले जाओ बोल के क्यों बताया? और तीसरा क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों सेलेक्ट किया, है ना, पांडव में से युधिष्ठिर महाराज भी हो सकते थे और भीम भी हो सकता था। चौथा क्वेश्चन है, जो गुरु धारण नहीं करते लेकिन अच्छी तरह से भक्ति करते हैं तो उनका क्या गति होगा, है ना। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, क्या हम भी अर्जुन की तरह कृष्ण को गुरु मान सकते हैं या हमको फिजिकली गुरु भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन ने सीधा कृष्ण को गुरु माना था जबकि कृष्ण भगवान है, हमको पता है। क्या हम भी अर्जुन की तरह कृष्ण को गुरु मान के भक्ति कर सकते हैं बिना फिजिकल गुरु के? और छठा क्वेश्चन है, गुरु हम पर प्रसन्न है बोलकर कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि अर्जुन से कृष्ण भगवान एज अ गुरु प्रसन्न हो गए तभी उन्होंने अपना उनका हृदय में आत्मज्ञान प्रसारित किया, है ना। जब तक तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा गुरु हमारे एक्शन से हमसे खुश है बोल के। और 7th लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो कार्पण्य शब्द आता है ना, कार्पण्य का मतलब प्रभुपाद बताते हैं लेक्चर में, कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, है ना। तो
वो लेक्चर में बताया है प्रभुपाद ने, तो आप ये ढूंढ के बताइएगा vedavyas.io में कि प्रभुपाद ने वहाँ कंजूस का मतलब क्या बताया, कि ये श्लोक में जो कंजूस शब्द आता है, कंजूस व्यक्ति का लक्षण क्या बताया। जैसे कंजूस बोलने से हमको लगता है ये कुछ देता नहीं है, खर्च करता नहीं है, तो इस व्यक्ति को हम कंजूस समझते हैं ना, लेकिन प्रभुपाद ने उसमें कुछ यूनिक मतलब बताया है, आप ढूंढिएगा। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास शायद टाइम कम है, ये निकाल लीजिए वो माइक। हरे कृष्णा माता जी। ये कार्पण्य 200 वाला जो श्लोक है ना, इसी में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया है। आप उसको वेदावेश में टाइप करने के लिए आपको आइडिया आएगा, इसलिए मैंने बताया नहीं। आप कार्पण्य शब्द टाइप करेंगे ना, उसमें आ जाता है फिर वेदावेश में। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ, ये क्वेश्चन है, भगवद गीता से नहीं है आपका क्वेश्चन? पुरुषोत्तम क्षेत्र इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि भगवान पुरुषों में उत्तम है। जैसे 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग है ना, आप उसको पढ़ के देखिए, उसमें बताया गया है कि भगवान पुरुषोत्तम क्यों है, है ना। और पुरुषों में उत्तम का मतलब क्या है, हम 13वां अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हम भी पुरुष है और भगवान भी पुरुष है, है ना। लेकिन फर्क क्या है, हम अपने क्षेत्र को जानते हैं, अपने शरीर को जानते हैं, लेकिन भगवान सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब क्षेत्र को जानते हैं, इसलिए उनको पुरुष में उत्तम कहा जाता है। वो भी पुरुष है लेकिन वो पुरुष में उत्तम है, जो कि सब बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। और जगन्नाथ जी सबका हृदय में है। जगन्नाथ मतलब क्या है, पूरा जगत का नाथ है ना, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। और जगन्नाथ जी एकादशी का दिन भी अन्न लेते हैं, वो भगवान का मर्जी है, क्योंकि भगवान में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है ना। एकादशी तो हमारे लिए है, साधना तो हमारे लिए होता है, तो भगवान में ये सब अप्लाई नहीं होता है ना। भगवान एकादशी का दिन कुछ भी खा सकते हैं, उनका मर्जी है। तभी अगर भगवान को हम स्वतंत्र रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर हम भगवान का जो भगवत तत्व है ना, वो पूरा रूप से समझ नहीं पाएंगे। भगवान को पहले ही हमको मान के चलना पड़ेगा, भगवान स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, यही स्वतंत्र का मतलब होता है ना। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि आपको जो लगता है, जो शास्त्र में लिखा है, ऐसे 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 करते जाएंगे, फिर तो स्वतंत्र का मतलब ही नहीं हुआ ना। तभी भागवतम के पहला श्लोक है ना, जो उसमें बताया है अविज्ञ स्वराट, उसका मतलब है कि भगवान स्वतंत्र है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अघटन विघटन, रूप गोस्वामी भी सॉन्ग में बता रहे हैं, मम मानस देह वाला सॉन्ग में, कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, घटन को अघटन, अघटन को घटन, जिंदा को मरण, मरण को जिंदा, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान में ऐसा रूल्स नहीं है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो जगन्नाथ जी है ना, वो अपना लीला से सिखाते नहीं है, वो लीला से इंजॉय करते हैं। लीला से सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, है ना, तो उनसे आप सीख सकते हैं। उन्होंने अपने आचार्य प्रभु जीवेर सीखा, उन्होंने अपना आचरण से दिखाया। चैतन्य महाप्रभु एकादशी को पालन करते थे, है ना। तो आप उनका लाइफ पढ़ेंगे तो उन्होंने सबसे पहले जब कृपा किया था, जगदीश पंडित और हिरण्यगर्भ दो डिवोटी महाप्रभु का घर का सामने था, तो महाप्रभु ने बताया कि अचानक रोने लगे, छोटे थे तो जब वो रोते थे तो हरि बोल बोल के चुप हो जाते थे, लेकिन उस बारी वो चुप नहीं हो रहे थे। तो सबको आश्चर्य लगा कि भगवान का नाम लेने से भी चुप नहीं हो रहा है, पता नहीं इसको क्या चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि सामने वाला जो घर है, वहाँ आज एकादशी का दिन बहुत सारा पैलेटेबल डिश बनाया है दो डिवोटी ने, जगदीश पंडित और हिरण्यगर्भ, वो विष्णु के भक्त थे, उनको प्रेम प्राप्त नहीं था, और ऐसा बोला फिर वहाँ जाके मुझे खिलाओ, फिर मैं चुप हो जाऊँगा। फिर वहाँ जाके देखा, सच में वो विष्णु भगवान के सामने इतना सारा डिश रखा होता है एकादशी प्रसाद। तो उन्होंने ये सिखाने के लिए वो इंसिडेंट किया था कि एकादशी पालन करना है, इसका मतलब निमाई को एकादशी पालन करने से ये खुश होता है। तो उस दिन से माँ ने हर 15 दिन में एकादशी का दिन उनको एकादशी प्रसाद देती थी, तो वो चुप हो जाते थे। उन्होंने अपना आचरण से दिखाया एकादशी पालन करूँगा बोल के, है ना, क्योंकि वो तो सिखाने के लिए आए थे। लेकिन जगन्नाथ जी ऐसा नहीं है ना, जगन्नाथ जी जो भी लीला करते हैं वो लीला से हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन हम वो उससे ऐसा एक्शन नहीं कर सकते। तो वो एकादशी का दिन लेते हैं, उनका महिमा है वो, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। भगवद गीता से कुछ प्रश्न है किसे? मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवान ने वहां जगन्नाथपुरी में जो लोग हैं, मतलब उनको ऑर्डर है कि वो एकादशी के दिन अनाज देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो
वो जगन्नाथ जी का भक्त हैं तो वो प्रसाद, प्रसाद और भगवान को एक ही दृष्टि से देखा जाता है ना, तो इसलिए उनके लिए ये अलग है, वो सबके लिए लागू नहीं है। वो भगवान जहाँ जो लीला करते हैं वही अनुसार से हमको मानना पड़ेगा। भगवान स्वतंत्र है, बाकी चीज़ में हम इसको लागू नहीं कर सकते। भगवान स्वतंत्र है, इतना ही मैसेज है इसका कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान जब स्वतंत्र है तो अपने भक्तों को भी कभी कभी ऐसा करो बोल के हमारा नियम से बियॉन्ड उनको आज्ञा दे सकते हैं, तो उन्होंने आज्ञा दिया है तो ऐसा करते हैं वो। और कुछ प्रश्न है? सेकंड पॉइंट थी, हाँ जी, हाँ जी, नेगेटिव वाला। इसका क्या मतलब है नेगेटिव मूड? नेगेटिव मूड का मतलब मेरे में भक्ति नहीं है, मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मेरे में बहुत सारा कमियां है, मेरे में बहुत सारा दोष है ना, मैं भक्ति से वंचित हो गया, और पड़िला रहिलो लोचन, है ना। और ये सब जो नेगेटिव भावना है, ऐसा आने से हम भक्ति में एडवांस होते हैं, ये श्लोक से हम सीख सकते हैं। क्योंकि अर्जुन ने अपने में दोष देखा, अपने आप को नेगेटिव सोच रहा है, मैं नेगेटिव पर्सन हूँ भक्ति का मामले में, भगवान का प्रेम का मार्ग में और धर्म का मार्ग में, है ना। जब हम नेगेटिव होते हैं तो फिर भगवान पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तभी एनर्जी आता है ना। पहले ही हम पॉजिटिव हो गए जाएंगे, मेरे में बहुत क्वालिटी है, मैं बहुत महान हूँ, मैं भक्ति कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल पर्सन हूँ, तो फिर वो भक्ति में बाधा बनती है ना। तभी राधा रानी भी अगर किसी को देखती है कि थोड़ा सा सेवा करते हुए, तो रियलिटी में वो मेरे से बड़ा भक्त समझती है उनको, ये कृष्णा का मेरे से ज़्यादा सेवा कर पाती है, वो रियल में फीलिंग है उनका, वो ऑटोमेटिकली अंदर होता है उनका। क्यों? क्योंकि ये भक्ति का शुरू से ही यही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं नेगेटिव वाला, कि उनका इतना हृदय नेगेटिव से भरा पड़ा होता है कि वो अपने आप को ना के बराबर समझते हैं, मैं हूँ ही नहीं, मेरे को कभी भी कृष्ण रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भावना होता है उनका। तो ये भावना भगवान को बहुत पसंद है कि मुझे कभी भी रिजेक्ट कर देगा, है ना, और मेरे में गुण नहीं है, तो ये दीनता है। तो ये इसलिए भगवान कृष्ण इसको पसंद करते हैं ना, क्योंकि भगवान को भी डर है कि ये मेरे को छोड़ के पृथ्वी में ना आए। अगर हमको प्लस वाला भावना आ जाएगा फिर हम ही आ जाएंगे, तो नेगेटिव वाला भाव फिर हमको बचाए रखता है, नहीं नहीं मुझे जाना नहीं है, क्योंकि मेरे में भगवान को छोड़ के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे भगवान ही चाहिए, वो प्लस है ना, मैं माइनस हूँ, तो इसलिए फिर हमको नीड लगती है। नहीं तो फिर हम अगर प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम शुरू होने लग जाएगा, हम रिजेक्ट कर देंगे गुरु को और भगवान को भी। हाँ, तभी तो मैंने इसका कंक्लूजन में बताया ना कि अगर हम में ज़्यादा नेगेटिविटी आ रहा है, मतलब अपने में कमियाँ दिख रहा है ना ज़्यादा, तो इसका मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हम, ये अच्छा लक्षण है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाई नहीं देता कि अपने में कमी देखना, ये तो भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे मेन लक्षण है। क्योंकि अगर हम अपने में कमी नहीं देखेंगे और अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे, फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो इसलिए जब भी हमको दोष दिखाई देता है, अंदर से ये खुशी होना चाहिए कि चलो मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, है ना, लेकिन सच में दिखाई देना चाहिए, है ना। और सच में ये हमारा क्या है ना, वो है, क्या बोलते हैं, प्रायश्चित जैसे एक वर्ड है ना, क्या बोलते हैं उसे, गिल्टी वाला फीलिंग। हाँ, वो गिल्टी फील हमको बचाए रखता है, नहीं तो फिर हमको, अगर हमको गिल्टी होना बंद हो जाएगा ना, फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। हर एक्शन में भगवान से डर लगना चाहिए, सेवा में भी डर लगना चाहिए, नाम में भी डर लगना चाहिए, है ना, हर चीज़ में डर लगना चाहिए। और कुछ भी एक्शन हमसे हो जाता है तो बहुत गिल्टी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे फीलिंग में ना एक अग्नि प्रोड्यूस होता है हमारा अंदर, है ना। जैसे 7 चैप्टर में भगवान कृष्ण ने गीता में बताया ना, मैं अग्नि का उष्मा हूँ, है ना। और 10 चैप्टर में भी बताया, ज्ञान दीप है ना भास्वता, उसमें भी दीप एक वो फ्लेम का, जो फ्लेम है उसका फॉर्म बता रहे हैं कि मैं वो हूँ। तो उससे क्या होता है ना, वो जब हम तापते हैं कि मेरे में भक्ति नहीं है, मैं बेकार हूँ, मेरे में दोष है, और अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं, तो एक अंदर जलन उत्पन्न होता है ना। फिर वो अग्नि हमको शुद्ध कर देगा, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना कि हमारा चेतना में जो धूल है, वो धूल को साफ करने का यही मेथड है नेगेटिव मोड, कि मेरे में कुछ नहीं बोल के अंदर अग्नि प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे पेट में अग्नि नहीं होगा तो डाइजेस्ट नहीं होता है ना, अगर नहीं होगा तो फिर मेडिसिन लेके भी हमको प्रोड्यूस करना होता है। उसी प्रकार हमारा हृदय में अग्नि प्रोड्यूस होना पड़ेगा, बिना अग्नि वो जलेगा नहीं, क्योंकि हमारा करोड़ों जन्म से वो कर्म बंधन का जो हृदय में
कूड़ा भरा पड़ा है ना, तो उसको तो जलाना ही पड़ेगा ना, पूरा बम ब्लास्ट करना पड़ेगा वहाँ, नहीं तो ख़त्म नहीं होगा। वो बहुत पुराना पुराना चीज़ पड़ा है वहाँ, कितने लोग कितने को छांटते रहेंगे हमारा दोस्त को, है ना, तो उसको पूरा जलाना पड़ेगा। फिर जैसे कूड़ा होता है, एक एक प्लास्टिक को जला के, एक एक कार्टून को जला के होगा नहीं ना, पूरा जला देना पड़ेगा ना वहाँ। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में जो गंदगी पड़ा है उसको जलाने के लिए एक अग्नि चाहिए। तो वो अग्नि महाप्रभु ने सिखाया, विरह वाला अग्नि हो सकता है, अपने में कमियाँ देखने वाला अग्नि हो सकता है ना। तो ये सारे चीज़ों से, जो नेगेटिव चीज़ से हमारा अंदर जो ताप प्रोड्यूस होता है, दुख का अनुभव होता है ना, और बेकार फीलिंग होता है ना, वो फिर हमको जला, वो अंदर का जो भी गंदगी है उसको जलाएगा। तो इसलिए ये भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण है वो, है ना। तो जब तक हम हारेंगे नहीं, नहीं भगवान अब तो नहीं होगा मेरे से, मेरे में इतना कमी है, मेरे से होगा ही नहीं, इतना गिरा देंगे भगवान कि आपको बस आप हार जाओगे ना, फिर उसके बाद भगवान आपको कृपा करेंगे, उसके लिए वेट कर रहे होते हैं ना भगवान। जैसे गोपियों को भी देखो ना, मुरली बजा के बुलाया भगवान ने, जब तक वो, फिर भगवान ने बोला तुम जाओ, फिर भी वो रोई चिल्लाई ऐसा नहीं था, लेकिन कृष्ण भगवान फिर गायब हो गए, फिर वो रोने लगी चिल्लाने लगे, फिर भगवान आ गए ना। उसके बाद जब आते हैं फिर वो रियल मूड में आते हैं भगवान, इन्जॉय करने का मूड में आते हैं, तभी भगवान ने फिर रासलीला किया। तो इसलिए भगवान ने वहाँ एक श्लोक में भी बताया कि मैं तुम लोग से क्यों दूर जाता हूँ, तुमको प्रेम क्यों नहीं देता हूँ, तुमको क्यों तपाता हूँ, क्योंकि तुम प्योर होकर भक्ति में आगे बढ़ो और ज़्यादा तुमको नीड लगे। तो जब एक्सट्रीम नीड होने लगती है, एक्सट्रीम भगवान का नीड होने लगती है, तभी भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान तो मामूली पर्सन नहीं है ना, और भगवान सुप्रीम इन्जॉयर है, वो छोटे मोटे चीज़ को इन्जॉय नहीं करते, उनको एकदम एक्सट्रीम चाहिए, एकदम एक्सट्रीम, हर चीज़ एक्सट्रीम में चाहिए। तो हमारा अंदर भी इतना एक्सट्रीम ताप प्रोड्यूस करके भगवान हमको इतना हरा के एकदम तड़पाएंगे, फिर भगवान प्रेम करना चाहते हैं। जैसे संबंध में भी आप लोग देखते हैं ना, संबंध में जो पति पत्नी का संबंध होता है, कभी कभी जानबूझ के लड़ते हैं, भाव खाते हैं, है ना, एक दूसरे का चेहरे में नहीं दिखते हैं, और उन दोनों में से एक क्या सोच रहा होता है कि जब तक ये रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं और पूरा हारेगा नहीं, तब तक मैं इसको प्यार नहीं दिखाऊंगा, बोल के भाव खा रहे होते हैं, है ना। तो फिर इसलिए फिर वो उसमें एक मज़ा है। तो एक भौतिक आदमी में ऐसा हो सकता है, तो भगवान में भी हो सकता है, तो भगवान इसलिए ऐसा करते हैं। और रियल में नहीं, नहीं पछतावा होना रियल में हो या आर्टिफिशियल हो, पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। फिर जब रियल में होने लगता है ना, रियल में भी फिर आपको एक दिन ऐसा सिचुएशन के लिए भगवान वेट कर रहे होते हैं ना कि मैं नहीं सकूंगा भगवान, मुझे एकदम हाई क्वालिटी का वैष्णव चाहिए, या आप ही कर सकते हो, मेरे से नहीं हो रहा है। भगवान ने, अर्जुन ने भी ये श्लोक के बाद का जो श्लोक है ना, आप देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड में आपके सिवा में कोई ऐसा दिखता नहीं है जो मेरा संशय को दूर करे और मेरा दुख को हटाए, कोई भी नहीं है ब्रह्मांड में, आप ही है। ऐसा सिचुएशन आना चाहिए, अर्जुन के साथ भी आ गया ना, आपसे बढ़कर और कोई है ही नहीं पृथ्वी में, आप तो मुझे स्वर्ग प्राप्त करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं तो कहीं दिखता ही नहीं हूँ, मैं स्वर्ग में जाऊँगा वहाँ भी दुखी हो जाऊँगा, वहाँ भी दुखी होगा, क्योंकि आपको जब तक मैं प्राप्त नहीं करूँगा, आपके सिवा कोई है नहीं, ये हम कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि हमको फैमिली में पता लग जाता है कि यहाँ कोई ऐसा बंदा है नहीं जो मुझे असली में समझता है, हर बंदा को पता लगता है, और केवल फैमिली में नहीं, पूरा संसार में फिर हमको पता लगता है कि कोई है नहीं, जबकि हम, हमारा फैमिली वाले हमको नहीं समझते हैं, तो संसार क्या समझेगा। फिर इस तरीके से हम जब हार जाएंगे ना, कोई समझने वाला नहीं है मुझे, केवल भगवान ही समझेंगे, क्योंकि भगवान ही अच्छी तरह से जीवात्मा को जानते हैं। फिर उस समय में जो हमारा असली हार होगा ना, भगवान उसी के इंतज़ार में होते हैं, ये कब हारेगा, हर तरफ से कब ये हार के, तभी भगवान कृष्ण ने वो सर्वधर्मान परित्यज्य बोला ना, उसका एक मतलब ये भी है कि आप हर जगह से हार जाओ, जहाँ भी आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिल रहा होता है, वहाँ कोई भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तभी सुखदेव गोस्वामी ने सेकंड कैंटो में पहले ही बताया, देह पत्रे कलत्रा देशु असुच अपि आत्म सैन्यसु। हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा सैन्यसु मतलब क्या है, जो सोल्जर होते हैं, सोल्जर किसके लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, अपना सुविधा के लिए होते हैं। तो आत्म सैन्यसु देह पत्रे कलत्रा दिशु, देह मतलब हमारा शरीर, कलत्रा दिशु मतलब पत्नी बच्चे रिलेटिव्स जो भी है, ये हमारा सैन्य है, ये हमको जब बीमार होते हैं तो प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ कमियाँ होते हैं तो देते हैं और हमारा सेवा करते हैं ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अस्वच्छ, ये खुद ही पतित होने वाले हैं, ये खुद ही अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, ये खुद ही बीमार होंगे, खुद ही मरेंगे, तुमको क्या सुविधा देंगे ये,
ऐसा सैनिक को लेके बैठे हैं हम। तो इसलिए फिर हमको जब वास्तव में भगवान का वैल्यू पता लगता है ना, ये संसार से ही पता लगेगा, फिर हारेंगे ना हम संसार से, तब प्रभु वो मेन चीज़ जो भगवान हम में देखना चाहते हैं वो देखेंगे, फिर भगवान प्रकट होंगे असली रूप में। तभी तो हम इतना साल से नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ऐसा रियल में हमको अनुभव हुआ नहीं कि भगवान का जो साक्षात्कार है ना। भगवद्गीता में एक और श्लोक आता है सेकेंड चैप्टर में, जो है ना हायर टेस्ट वाला श्लोक है ना, रसो वर्षम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो उसमें परम दृष्टवा का कुछ और मतलब लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पुराने डिवोटी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसमें लिखा है परम दृष्टवा का मतलब परमात्मा का दर्शन, दृष्टवा मतलब देखना, परम मतलब भगवान परमात्मा। जब तक हम भगवान को देखेंगे नहीं तब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, फिर लोअर टेस्ट छूटेगा नहीं, है ना। तो जब तक लोअर टेस्ट में ही हम पड़े रहेंगे, हायर टेस्ट मिलेगा नहीं, फिर हमको संसार बेकार लगेगा नहीं, फिर हम हारेंगे नहीं। लेकिन भगवान का यह मेथड है प्रभु कि जब तक हम हारेंगे नहीं भगवान हमको लेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान वही हराने के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तभी आप देखिए जो भी भक्ति में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, उसको पता लग रहा होता है, हर तरफ से लात पड़ती है, हर तरफ से हार मिलता रहता है। इसमें विश्वास करो यहीं से धोखा मिलता है, इसमें विश्वास करो ये भी कमीना निकलता है, ये भी, और लास्ट में फिर अपने आप को ही हम देखने लगते हैं मैं ही कमीना हूँ। जैसे उनका है ना कबीरदास का दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलियो कोई, जो देखा अपन दिल को मुझसे बुरा ना कोई। ऐसे ही वो उनके साथ भी हो गया था, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को कृष्ण ने भेजे थे। हाँ तो ऐसा जो भावना आता है ना, मैं बुरा हूँ है ना, अपने में दोष दिखने लगता है और फिर अपने में नेगेटिव फीलिंग आने लगता है कि मैं सच में रियल में फीलिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र में लिखा है कि अपने आप को बुरा सोचना चाहिए तो लोगों का सामने बोल दिया कि मैं तो तुच्छ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन जैसे एक्शन लेवल में डीलिंग में थोड़ा सा कुछ बोल देगा तो वो हो जाएगा, घबरा जाएगा, तो वो पता लग जाता है, भगवान को भी पता लग जाता है, वो रियल में फीलिंग है प्रभु। तभी भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर इतना दीन थे कि उन्होंने कभी भी आपने शिष्य को शिष्य नहीं समझा, उन्होंने गुरु समझा था, क्योंकि उनका गुरु ने आज्ञा दिया था तुमको शिष्य नहीं बनाना है और कलकत्ता में नहीं रहना है, दो आज्ञा दिया था, उन्होंने दोनों आज्ञा को काट दिया। इन द सेंस भक्ति विकास स्वामी महाराज ने जो बुक लिखा है ना भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर का, उसमें लिखा है उसका दो का आंसर कि दो उनको ऑर्डर दिया था ना, तुम शिष्य मत बनाना और कलकत्ता में मत रहना क्योंकि वो नरक है। तो कलकत्ता में इसलिए रह रहे थे क्योंकि उन्होंने नरक बोला था, अगर मैं नरक में रह के दूसरे का उद्धार करके मैं खुद ही नरक चला जाऊँगा तो अच्छा है ना, तो इसलिए वो कलकत्ता में रह गए थे। और दूसरा उन्होंने बोला था शिष्य मत बनाना, तो उन्होंने बोला कि मैं सारा शिष्य को शिष्य नहीं समझता हूँ, गुरु समझता हूँ, तो मैंने शिष्य बनाया नहीं। तभी वो हमेशा प्रणाम करते थे, हमेशा जब भी मंगल आरती में पहले आने से पहले जो भी शिष्य आते वो वेट करके सबको प्रणाम करते थे, वो गुरु समझते थे, दासो अस्मि बोलते थे, मैं आपका दास हूँ, वो रियल में उनका फीलिंग है वो। तो जब तक ये वाला मूड नहीं होगा फिर कैसे होगा। इसलिए ये श्लोक से ये सीख सकते हैं प्रभु हम कि अपने में दोष देखना, अर्जुन जैसे पर्सनालिटी अपने में दोष देख रहा है, अर्जुन चांचू ने मामूली कैरेक्टर नहीं है, इन्होंने बहुत सारा मन को भी कंट्रोल कर रखा है, जो महाभारत में एग्जांपल आता है उर्वशी के साथ उन्होंने माँ से बिहेव किया था, तो वो ऑलरेडी कंट्रोल बंदा है वो। और भगवान ने 16 चैप्टर में इनको बताया है कि तुम ऑलरेडी दैवी गुण से युक्त हो, अर्जुन बोल के याद है ना, उसमें बताया कि तुम ऑलरेडी दैवी गुण से युक्त हो, तुम घबराओ मत, उन्होंने बहुत सारा क्वालिटी बताया, तो ऑलरेडी वो डिवाइन क्वालिटी से युक्त है, फिर भी वो अपने में कमी दिख रहा है। तभी भगवान ने उनको खुश हो गए, फिर भगवान ने मुस्कुराया, फिर उनको ज्ञान देना शुरू किया, भगवान खुश हो गया ना, इसका मतलब भगवान इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। तभी तो हमारे सारे आचार्य जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया सब चैतन्य महाप्रभु में बोल रहे हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, मैं तो मूर्ख हूँ एक नंबर का, मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं तो भगवान का नाम लेता रहता हूँ, पता नहीं मुझे भगवान का नाम में क्यों रस आता है, ये नाम मुझे नचाता है रुलाता है पता नहीं, बोल के उन्होंने बोला। अपने आप को मूर्ख स्वीकार करते हैं रियल में। और कुछ पूछना है? जैसे कि आपने बताया कि हमारा मेन बंधन का कारण है कि हम भगवान को, हम यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम भगवान के एनिमी हैं, तो कैसे हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे कि भगवान को फ्रेंड में। तभी तो मैंने ये दो श्लोक कोट किया था ना, हमारे में द्वेष है तो द्वेष को हटाने के लिए प्रेम चाहिए ना,
तभी 10.10 में तेषां सतद्युक्तानां भजतां, प्रीति को ऐड करो हर चीज़ जो करते हैं, हम सेवा करते हैं, नाम लेते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें बस प्रीति का लैक होता है। भगवान कृष्ण ने तभी बहुत अच्छा श्लोक है, ये कोई प्रैक्टिस करेगा ना निकल गया वो बंदा। मैं तो हमेशा इसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, कि प्रीति का कमी होता है हम सब में ना। प्रीति का मतलब क्या है? प्रीति का मतलब आप सिंपल समझो, जैसे मान लो किसी माता जी का एग्जाम्पल देता हूँ, माता जी का अपने पुत्र के लिए कुछ टिफिन बनाना हो, है ना, और पड़ोसी वाला के ने बोल के चला गया कि मेरे पुत्र के लिए भी कुछ बना देना, है ना। अब अपने पुत्र के लिए कैसे पैक करेगी वो, कैसे बनाएगी, किस भावना में बनाएगी, और दूसरे के लिए किस भावना में बनाएगी, वो उसी को प्रीति बोलते हैं। अपने पुत्र के लिए अच्छा से बनाएगी ना, इसमें घी अच्छा डालेगी, मेरा बेटा थोड़ा ताकतवर हो जाए, अच्छा हो जाए, और गर्मी मेंटेन होए, वो सब चीज़ करेगी, लेकिन दूसरे को करके फटाफट पैक करके दे देगी। वहाँ प्रीति का लिया गया ना, एक्शन सब कुछ सेम है, तो उसको प्रीति बोलते हैं। वो वाला फीलिंग का कमी है हमें, जो हम हर एक्शन करते हैं ना, हम कृष्ण को पर्सन नहीं समझ के कर रहे होते, वो व्यक्ति नहीं है, उसका डिजायर नहीं है, वो खुश नहीं होगा, पता नहीं कहाँ बैठा है, हमको साधना है, बस मज़ा आ रहा है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ऐसे बाहरी रूप में करते हैं। वो थोड़ा सा हम पर्सन है सोच के, जैसे बेटा समझ के हम प्रीति ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसी प्रकार वो जब हम पर्सन का लेवल में देखते हैं ना, तभी केशवानंद प्रभु बोलते हैं ना हम भी मायावादी हो सकते हैं, क्योंकि हम पर्सन का रूप में डीलिंग नहीं कर रहे थे कृष्ण से। वो पर्सन है, उनको डिजायर है, उनको उनको खुश करना है, उनको प्रेम चाहिए, है ना। जबकि वो प्रेम से भरे पड़े हैं, वही दूसरे को प्रेम देते हैं, फिर भी वो प्रेम चाहते हैं। प्रेम ऐसा चीज़ है ना, कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता वो, है ना। तो इसलिए प्रीति का कमी है। और दूसरा प्रेम अंजन छुरीता वाला श्लोक है ना, प्रेम रूपी अंजन होगा तभी वो काम बनेगा हर चीज़। प्रेम रूपी अंजन का मतलब क्या है? प्रेम रूपी अंजन का मतलब जैसे माँ का एग्जाम्पल देता हूँ, अपने पुत्र के, छोटा पुत्र के प्रति तो ज़्यादा प्रेम होता है ना, तो उसका छोटा सा शूज़ देखेगी, उसका कपड़ा देखेगी, उसमें प्रेम जागृत होगा, उसको अच्छा लगेगा। इवन दूसरे का घर में चले जाएगी और वो बात कर रही है अपने पुत्र को छोड़ के, मान लीजिए वो भूल गई, लेकिन तुरंत उसने एक छोटा सा कुछ टॉयज देखेगी, कपड़ा देखेगी, तो तुरंत अपने बच्चे का याद आता है। क्यों? क्योंकि प्रेम रूपी अंजन है उसका बच्चे के प्रति, तो वो कोई भी चीज़ दिखाई देता है बच्चे से रिलेटेड, जो बच्चे का साइज़ का है, उसका तुरंत अपने बच्चे का याद आता है। तो उसी प्रकार हमारा प्रेम रूपी अंजन बनाना होगा कृष्ण के लिए, फिर वो द्वेष हटेगा, आयन व्यसनेस हटेगा, फिर वो होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, फिर तभी तो ये श्लोक में आता है ना, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हमेशा वो संत हृदय में भगवान का साक्षात, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमम मजामि, श्याम सुंदर रूप का दर्शन करता है हमेशा वो। क्यों? क्योंकि उसने वही प्रेम रूपी अंजन लगाया है, काजल। तो जैसे हमने बात्सल्य भाव का एग्जांपल दिया, मतलब नहीं, उसका स्पिरिट बता रहा हूँ, वो जो प्रेम होता है तभी ऐसा दिखाई देता है ना, तो उसी प्रकार भगवान में प्रेम जागृत होगा ना, फिर ऐसे ही दिखाई देगा हर चीज़। ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन स्वरूप है ना भगवान का, ब्रह्म मतलब तो पूरा ये ब्रह्मांड ही है ब्रह्म, है ना, जो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार से बना है, और परमात्मा अंदर जो बैठा है, जो एक्टिवनेस है ना, और भगवान जो लीला करते हैं यहाँ और वहाँ। तो इस तरीके से हम हर जगह, उनके बिना कुछ है ही नहीं, तो वो दृष्टि आ जाएगी, फिर ऐसे प्रैक्टिस करना होगा। और कई बार हम लेक्चर सुनते हैं कि कोई भी हम वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं ना,